देवलापार पुलिस ने अवैध मवेशियों को ले जा रहे पिकअप वाहन को पकड़कर 19 मवेशियों को जीवन दान दिया तथा इसमें पुलिस ने कुल 5,20,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया। देवलापार पुलिस की टीम मौजा देवलापार से चोरबाहुली के बीच 15 किलोमीटर की दूरी पर देवलापार के तहत गश्त कर रही थी। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक बेरहमी से बिना लाइसेंस और अवैध रूप से जानवरों का परिवहन कर रहे हैं। इस तरह की गुप्त सूचना के आधार पर देवलापार पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर अशोक लेलैंड कंपनी के पिकअप वाहन रोकने की चेतावनी दी, लेकिन वो बिना वाहन रुके ही नागपुर की ओर भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस के संज्ञान में आया कि आरोपी वाहन को चोरबावली के सामने टोल बूथ पर छोड़कर फरार हो गया। इस वाहन की जांच की गई तो वाहन में 1,10,000 रुपए मूल्य की 11 गाय बेरहमी से पाई गई। इसके साथ ही घटना स्थल पर मौजूद वाहन कीमत 4,00,000 रुपए, इसके साथ ही एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन कीमत 20,000 रुपए, ऐसा कुल 5,20,000 रुपए का मुद्देमाल पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस आरक्षक अशोक उइके की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 429 और भांडवी अधिनियम की धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उपनिरीक्षक पुजारवाड़ अपराध की आगे की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, देवलापार।